मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नवनीत राणा को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की बात कही। दोनों को खार पुलिस स्टेशन लाया गया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान नवनीत राणा ने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घर से जबरन उठा लिया। इसे लेकर उन्होंने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मदद भी मांगी है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के आधार पर नवनीत राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो भी कोई शख्स अवैध बातें कर किसी दूसरे को द्वेष भाव या बेहूदगी से निशाना बनाता है और ऐसे भाषण का बयान से परिणाम स्वरूप उपद्रव हो सकता है, उसके खिलाफ ये धारा लगाई जाती है। आम्हाला मान्य आहे, या ठिकाणी जबरदस्ती पोलीस करत असाल आणि सरकारच्या सांगण्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या दबावामध्ये जर आमच्या सारख्या लोकप्रतिनिधीला या ठिकाणी आमचा अन्याय होत असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्र पाहताय। आम्ही जेलमध्ये गेलो तर जमाना सुद्धा घेणार नाही, या अन्याय सुद्धा लढत राहू। जर आम्हाला बेगुन्हा लोकांना फसवत असेल तर या ठिकाणी आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो हनुमान चालीसा को लेकर जो उद्धव ठाकरे विरोध कर रहे हैं और आज इन्होंने खुलेआम पत्रकार परिषद में संजय राउत जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो खुलेआम बोलते हैं कि इनको 20 फुट हम जमीन के अंदर गाड़ेंगे और इनको मशान भूमि तक पहुंचाएंगे, शमशान तक पहुंचाएंगे। ये खुला आवाम और धमकी ये लोग हमको देते हैं तो इनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई महाराष्ट्र में हो नहीं रही है, पर हमारे ऊपर जो 149 धारा का जो नोटिस हमको दिया है उसके बावजूद हमने एक भी पैर घर के बाहर रखा नहीं, पर हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, हमारे ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा है और ये तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट घर में घुसती है और धमकी देती है और यहां से लेके जाके पुलिस स्टेशन में जो हमारे ऊपर ऑफेंस दाखिल हुआ है और खींच के लेके जाएंगे। इस तरीके की भाषा के पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ करती है। जो 150 से 150 सिर्फ सैनिक जो गुंडे यहाँ भेजे हैं, जो हल्ला करते हैं उनके ऊपर कोई ऑफेंस दाखिल नहीं होता है, पर जो 2 दिन से घर में बैठे हैं उनके ऊपर ऑफेंस दाखिल होता है। ये मुख्यमंत्री का प्लान और ये मुख्यमंत्री के गुंडे। जिस आदरणीय फडणवीस साहब से विनंती करूंगी, ऑपोजिशन लीडर है, जिस तरीके से लोक प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं आज, आपकी और पंतप्रधान जी को मैं विनती करूंगी कि इस चीजों को जो कोई कसूर नहीं किया उनके ऊपर ऑफेंस दाखिल होता है, उनको जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। मुझे लगता है देश के गृह मंत्री जी को भी, अमित भाई को भी, अमित शाह जी को भी मैं विनती करूंगी, जिस तरीके से व्यवहार ये महाराष्ट्र में हम लोक प्रतिनिधियों के साथ हो रहा है, मैं आपसे विनती करूंगी कि इस पे ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा ही हुकुमशाही अगर महाराष्ट्र में होती रहेगी तो कोई काम नहीं कर पाएगा महाराष्ट्र में लोक प्रतिनिधि। ये है गुंडेशाही जिस तरीके से वो भेज रहे हैं। इतने गुंडों के ऊपर ऑफेंस दाखिल नहीं हुआ, पर जो घर में बैठे उनके ऊपर ऑफेंस दाखिल किया गया है। ये महाराष्ट्र में और किसानों के लिए लड़ना ये हमारा कर्तव्य, आगे भी लड़ेंगे और धर्म के प्रचार प्रसार को हम पहले भी लड़ते आए, आज भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। जिसमें जितना ताकत हो, जितनी ऑफेंस लगानी उतनी लगा लीजिए, देखते हैं तुम्हारे में ऑफेंस लगाने की कितनी ताकत और हमें कितनी बर्दाश्त करने की ताकत है। धर्म के लिए इससे ज्यादा भी करेंगे, अगर जरूरत पड़े हमारी जान जाने तो भी हम जाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।